हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर्स चैनल पे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है उसके बारे में फुल्ली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेमेंट बैंक क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट कि पेमेंट बैंक क्या होता है, इट इज ए प्राइवेट बैंक। पेमेंट बैंक जो होता है वह प्राइवेट बैंक होता है। तो प्राइवेट बैंक हम किस बैंक को बोलते हैं? प्राइवेट बैंक हम उस बैंक को बोलते हैं जिसका शेयर उस बैंक का 51% से ज़्यादा या 51% प्राइवेट कोई भी कमर्शियल के हाथ में होता है। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं कि जिस बैंक का शेयर 51% या 51% से ज़्यादा गवर्नमेंट का हिस्सेदारी नहीं होता है उस बैंक को हम लोग प्राइवेट बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट बैंक कौन सा होता है? हम लोग उस बैंक को गवर्नमेंट बैंक बोलते हैं, प्राइवेट बैंक नहीं बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का शेयर जो होता है 51% होता है या 51% से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो समझिए कि प्राइवेट बैंक क्या होता है और गवर्नमेंट बैंक क्या होता है। ठीक है, तो पेमेंट बैंक क्या होता है? प्राइवेट बैंक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। पेमेंट बैंक जो होता है वह डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। डिमांड डिपॉजिट का क्या मतलब हुआ? इसमें सिर्फ आप करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खुला सकते हैं पेमेंट बैंक में, बट कांट एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट। इस बैंक में क्या है, टाइम डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करता है, मतलब रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट को हम लोग नहीं खुलवा सकते। ठीक है, सिंपली हम लोग ने क्या सीखा पेमेंट बैंक के बारे में, दो पॉइंट कि पेमेंट बैंक जो होता है वह प्राइवेट बैंक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि पेमेंट बैंक जो होता है उसमें सिर्फ हम लोग करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसमें हम लोग रिकरिंग अकाउंट या फिक्स अकाउंट नहीं खुलवा सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू ₹1,00,000 पर कस्टमर। ठीक है, एक कस्टमर का वह मैक्सिमम ₹1,00,000 ही डिपॉजिट करता है। ठीक है, पेमेंट बैंक हम लोग सिंपली समझ सकते हैं कि कोई भी कस्टमर है उसका सिर्फ वह मैक्सिमम ₹1,00,000 ही वह जमा करवा सकता है, मतलब डिपॉजिट करता है, बैंक में रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि पेमेंट बैंक जो होता है कैन नॉट गिव लोन्स। पेमेंट बैंक मेरा लोन प्रोवाइड नहीं करता है, वह कस्टमर को लोन नहीं बांटता है। ठीक है, चारों पॉइंट क्लियर है। पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या सीखा कि पेमेंट बैंक क्या है, प्राइवेट बैंक है, और पेमेंट बैंक क्या होता है उसमें सिर्फ हम लोग करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खुला सकते हैं, उसमें रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट नहीं खुला सकते। तीसरा पॉइंट क्या हम लोगों ने सीखा कि एक कस्टमर का मैक्सिमम ₹1,00,000 तक ही डिपॉजिट कर सकता है उस बैंक में। ठीक है, और पेमेंट बैंक क्या होता है, लोन प्रोवाइड नहीं करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट प्रोवाइड डेबिट कार्ड, मतलब एटीएम कार्ड, बट नॉट क्रेडिट कार्ड। पेमेंट बैंक जो होता है उसका सिर्फ आप डेबिट कार्ड ही ले सकते हैं, उसमें क्रेडिट कार्ड का कोई फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, जिसमें हम लोग लोन भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए किसी का अकाउंट है, ठीक है, उसके पास क्रेडिट कार्ड है, अगर उसका अकाउंट में बैलेंस खत्म हो चुका है तो उसको क्या होता है, उस क्रेडिट कार्ड से आप उस बैंक से लोन भी ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड की सहायता से। ठीक है, लेकिन क्या होता है, पेमेंट बैंक तो लोन प्रोवाइड करता ही नहीं है, इसलिए क्या होता है, उसका क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, सिर्फ उसके पास क्या होता है, एटीएम कार्ड प्रोवाइड करता है, डेबिट कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट टू ओपन दिस बैंक इज ₹100,00,000। अगर कोई भी पेमेंट बैंक खोलना चाहता है उसके लिए क्या होगा, कम से कम ₹100,00,000 का कैपिटल होना चाहिए। अगर कोई बैंक खोलना चाहता है, अगर उसके पास मिनिमम ₹100,00,000 का कैपिटल होना ही चाहिए, जिसके पास ₹100,00,000 का मिनिमम कैपिटल होगा वह पेमेंट बैंक खोल सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट, 25% ऑफ ए पेमेंट बैंक ब्रांचेस मस्ट बी इन द अनबैंक रूरल एरिया। इसका एक कंडीशन है कि पेमेंट बैंक जो जितना भी खुलता है उसका 25% जो ब्रांच होगा पेमेंट बैंक का वह ग्रामीण क्षेत्रों में होगा, मतलब रूरल एरिया में, शहरी क्षेत्र में नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए 25% ब्रांच। ठीक है, इसका कंडीशन है कि अगर आप पेमेंट बैंक खोलना चाहते हैं उसमें क्या होता है कि 25% जो ब्रांच होना चाहिए वह क्या होता है, रूरल एरिया में होता है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, शहरी क्षेत्र में नहीं। कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में 25% ब्रांच खोलना ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेन शेयर होल्डिंग विल बी अलाउ इन दीज बैंक। मतलब विदेशी क्या होता है, विदेशी जो होता है उसको फॉरेन शेयर जो होता है वह कर सकता है। ठीक है, एज पर द रूल ऑफ FDI इन प्रोवाइड बैंक, जो FDI का रूल है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फॉरेन शेयर, फॉरेन जो जो भी विदेशी होता है वह शेयर को होल्ड कर सकता है इस बैंक का। ठीक है, FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल है जो प्राइवेट बैंक का होता है, उसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग फॉरेन शेयर कर सकते हैं, फॉरेन कर सकता है। ठीक है, अलाउ है फॉरेन को करने के लिए। नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कि जो ये पेमेंट बैंक बना था उसको रिकमेंड किया था किस कमिटी के, रिकमेंड पे पेमेंट बैंक बना, उस कमिटी का नाम है मेरा नचिकेत मोर कमेटी। नचिकेत मोर कमेटी के सिफारिश पे मेरा पेमेंट बैंक बना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि किस कमेटी के रिकमेंड पे पेमेंट बैंक बना था, तो क्या हो जाएगा आंसर, नचिकेत मोर कमेटी के सिफारिश से बना था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लिस्ट ऑफ करेंटली वर्किंग पेमेंट बैंक, जो अभी फिलहाल में काम कर रहा है पेमेंट बैंक उसका लिस्ट देखते हैं, कौन कौन सा ऐसा पेमेंट बैंक है जो अभी वर्क कर रहा है इंडिया में। ठीक है, पहला है एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड, दूसरा क्या, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड, फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड, चौथा क्या है, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, नेक्स्ट जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड, छठा क्या है, NSDL पेमेंट बैंक लिमिटेड। ये जो 6 बैंक का जो लिस्ट दिए हैं यह करेंटली क्या है, अभी वर्क कर रहा है एज ए पेमेंट बैंक इंडिया में। ठीक है, तो पेमेंट बैंक के बारे में इतना ही है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है, तो जैसे पेमेंट बैंक प्राइवेट बैंक है वैसा ही क्या होता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक भी मेरा क्या है, प्राइवेट बैंक है। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइवेट बैंक का मतलब कि गवर्नमेंट का जो है शेयर 51% और 51% से क्या है, कम है, 51% से शेयर गवर्नमेंट का कम है, इसलिए क्या है प्राइवेट बैंक। अगर गवर्नमेंट का मेजोरिटी स्टेक जो होता है अगर 51% रहे या 51% से ज्यादा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बैंक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, मेरा प्राइवेट बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी उसका क्या है कि 10 ईयर एक्सपीरियंस इन बैंकिंग, अगर आपके पास कम से कम 10 साल का बैंकिंग का अगर एक्सपीरियंस है तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल बैंक विल ऑफर बोथ डिपॉजिट एज वेल एज लोन प्रोडक्ट। क्या हुआ इसका मतलब कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है, लोन भी प्रोवाइड करता है और डिपॉजिट भी करवाता है। ठीक है, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सारा चीज उसमें खुलता है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ठीक है, पेमेंट बैंक में क्या था कि पेमेंट बैंक मेरा लोन प्रोवाइड नहीं कर रहा था, स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या होता है, मेरा लोन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट टू ओपन दिस बैंक इज RS 100 करोड़।
अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना चाहते हैं तो आपके पास कम मिनिमम 100 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी के पास 100 करोड़ का कैपिटल है तो उसका क्या होता है, वह स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन कर सकता है, ठीक है। चार पॉइंट हम लोगों ने देख लिया स्मॉल फाइनेंस बैंक का, फोर इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉरेन शेयर होल्डिंग विल बी अलाउड। फॉरेन का शेयर क्या है, होल्ड कर सकता है, इसमें अलाउ है। पेमेंट बैंक में भी अलाउ था और स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी अलाउ है। इन दिस बैंक एज पर द रूल फॉर FDI इन प्राइवेट बैंक, जो भी प्राइवेट बैंक का रूल होता है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसी के साथ क्या कर सकता है, फॉरेन शेयर होल्ड कर सकता है, ठीक है। इस पेमेंट बैंक में भी अलाउ करता है फॉरेन शेयर, और इफ क्या होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी अलाउ करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, किस कमिटी के रिकमेंड पे स्मॉल फाइनेंस बैंक खोला गया था भारत में। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो खुला था उस कमिटी का नाम है उषा थ्रोट कमिटी, ठीक है। उषा थ्रोट कमिटी जो है इसके रिकमेंड पे स्मॉल फाइनेंस बैंक खोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 25% ऑफ पेमेंट बैंक ब्रांचेस मस्ट बी इन द अनबैंक रूरल एरिया। इसका भी सेम कंडीशन है कि जैसे पेमेंट बैंक को 25% ब्रांच मिनिमम ग्रामीण क्षेत्रों में खोलना है, उसी प्रकार स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी 25% ब्रांच कम से कम आपको ग्रामीण क्षेत्रों में खोलना पड़ेगा, ठीक है, इसका कंडीशन है। नेक्स्ट कि स्मॉल फाइनेंस बैंक हैव टू लेंड 75% ऑफ देयर क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होता है वो 75% जो अपना उसका जो होता है लेंड उसका क्रेडिट करता है प्रायोरिटी सेक्टर में, ठीक है। हम लोग लिस्ट देख लेते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन कौन चल रहा है, ठीक है। पहला है उज्जीवन फाइनेंस फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बेंगलोर, ठीक है। जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बेंगलोर। कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड जलंधर, ठीक है। इक्विटीज होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई। AU फाइनेंशियल लिमिटेड जयपुर। नेक्स्ट क्या है, दिशा माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। नेक्स्ट ESF माइक्रो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई। नेक्स्ट क्या है, RGVN माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड गुवाहाटी। शिवरोडे माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड नेवी मुंबई। उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड वाराणसी, ठीक है। यह कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक का लिस्ट है कि कहाँ कहाँ पे इसका ब्रांच खुला हुआ है, क्या क्या उसका क्या है लिस्ट ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन कौन सा है, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।